सर बताएंगे, चल समारोह महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर शहर में चल समारोह निकाला जा रहा है, पूरे कार्यक्रम के क्या रूपरेखा है? रूपरेखा ये है कि हम सपा चरित राय से है, हमारा चालू होगी पद यात्रा और उसमें हमारे बहन साथ होंगे और आम जनता जो पूरे हमें प्रचार करके आए जिले भर में, तो वहां की जनसंख्या काफी तादाद में आएगी, कोई उसकी गिनती नहीं है कि कितनी आ जाए, करीब 15,000 से ज्यादा आएगी। और रास्ता हमारी यही है यहाँ सुभाष चौराहे से चौराया जो है परेड चौराह, उसके बाद मार्केट केदार रोड राज रोड चुंगी से महाराणा प्रताप। कितने बजे शुरू होगी यात्रा? शुरू हमारी यात्रा 4 बजे शाम को, 4 बजे से इंदिरा गांधी चौराहे से प्रारंभ होगा ये चल समारोह। इस चल समारोह को लेकर कब से तैयारियां चल रही थी? हमारी 1 महीना हो गया। किस प्रकार से कहां कहां के लोगों को आमंत्रित किया है? सिर्फ जिले वासियों को कि बाहर से अन्य जिलों के भी लोग आएंगे? इसमें जिले के, सिर्फ जिले के। कितनी संख्या तकरीबन आने की संभावना जताई जा रही है? संख्या का कोई अनुभव नहीं है, पर संख्या काफी तादाद में आई, 10-12 से कम भी होंगे, ज्यादा हो सकती है। 2-व्हीलर 4-व्हीलर वाहनों से चल समारोह चालू होगा? जी, होंगे डीजे वगैरह, बैंड होंगे, बत्ती वगैरह, घोड़े होंगे। पुरुष महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति हम सभी लोग सर्व समाज को एकत्रित करके एक संदेश के रूप में चल समारोह निकालते आए, उसी हिसाब से हर वर्ष की तरह हम सभी लोग पुनः आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले इस विचार को हम लोगों ने मूर्त रूप दिया था यहाँ छत्री भवन की रथपुरा पर बैठकर कि पुरुष महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को उनकी जो तिथि है, तिथि वो जन्म उनका हुआ था 1540 में, तो वो तिथि 9 तारीख को पड़ रही है यानी कल रविवार के दिन। तो हम सभी लोगों ने कल वहाँ 2 बजे सभी लोगों का एकत्रीकरण के लिए आह्वान किया गया है और 4 बजे से हम लोगों की यात्रा वहाँ से प्रारंभ हो जाएगी। सुभाष राय से लोगों के एकत्रीकरण के लिए वहाँ पार्किंग की एक व्यवस्थित व्यवस्था की गई है, बाकायदा वहाँ जगह समतल करवा दी गई है, पूरा पानी वानी का भराव वहाँ हो चुका है, मिट्टी का भराव हो चुका पानी के ऊपर, और वहाँ एक 30x60 का लगभग टेंट लगाया गया है जिससे छाई और पंखे कूलर वगैरह की व्यवस्था है। तो आम पब्लिक जो भी आएंगे सभी के लिए कुर्सी पर उचित बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की सब व्यवस्थाएं की गई। यात्रा के कौन से रूट है? यात्रा के लिए हम लोग सुभाष किराए से बस स्टैंड होते हुए परेड चौराहा आएंगे, परेड चौराहा से गोल मार्केट, अटेर दरवाजा, अटेर गेट जिसे बोलते हैं, गोल मार्केट से बजरिया, बजरिया से भिंड किला, भिंड किला से सभी लोग गेल रोड और बुनियादी स्कूल के सामने से होते हुए लाहार के गोलंबर पर लाहार रोड के और लाहार चौराहा से फिर हम ये अपने जो महाराणा प्रताप का प्रतिमा स्थल है वहाँ सीधे आएंगे सभी लोग और वहाँ फिर सभी के लिए बैठने की और वहाँ पे जो है ठंडा वगैरह की व्यवस्था की गई है और मुसल पार वगैरह। किसके नेतृत्व में ये चल समारोह है? ये पूरा समस्त क्षत्रिय समाज इसकी अग्रणी भूमिका निभा रहा है, लेकिन नेतृत्व सर्व समाज का है, सभी समाज की भावनाओं को लेकर चल रहे हैं। इसमें सभी से आह्वान किया गया, कोई ये नहीं कहा गया कि पर्टिकुलर कोई विशेष समाज की का कार्य, क्योंकि महाराणा प्रताप युग पुरुष थे, संपूर्ण हिंदुस्तान के थे, सभी लोगों को लेकर चलते थे, उन्हीं का ये संदेश देने के लिए हम सब लोगों ने ये गर्मी के जून के माह में तपती गर्मी में उन्होंने कैसे संघर्ष किया, उनका जीवन कैसा रहा, उनके परिवार का स्वाभिमान शौर्य कैसा रहा, तो ये शौर्य दिवस यात्रा नाम दिया गया। इस यात्रा को सभी लोग आएंगे, अपने अपने वाहनों से आएंगे और गर्मी के कारण ही ये वाहनों की यात्रा रखी गई वाहनों से। कोई बड़ा नेता भी आने की संभावना है चल समारोह में? पूरे देश में, क्योंकि कल अपने यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ग्वालियर में हो रहा है, मुरैना में भी हो रहा है, अन्य जगह भी हो रहा है, आमंत्रित किए हैं और स्वीकृतियां भी मिली, लेकिन जिले के बड़े नेता आने की, सभी नेताओं के आने की संभावना है, उन्होंने स्वीकृति दी है। अगर कोई बड़े नेता की कोई शाम तक संभावना होती है तो वो भी आप सब लोगों को ब्लेस करें। इस चल समारोह में सर्व समाज को आमंत्रित किया गया है? जी, सर्व समाज को आमंत्रित किया गया है? सर्व समाज को आमंत्रित।